तो 0.09 मीटर यानी कि 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस में अभी मेरा हाथ था। तो अभी इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एक आर्डुइनो नानो का। यहाँ पर आप आर्डुइनो यूनो भी इस्तेमाल कर सकते हो, अराउंड अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो यहाँ पर आपको ऑडियो के लिए तीन टर्मिनल मिलता है, एक होता है ग्राउंड, एक के राइट का और एक लेफ्ट का ऑडियो इनपुट है। तो उसी तरह यहाँ पर आउटपुट भी आपको दो मिलता है, ये लेफ्ट का एंड राइट का। ओके, तो हम यहाँ पर राइट को चूज करते हैं, तो इसलिए हमें आउटपुट भी राइट से ही लेना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना होगा इंक्लूड लाइब्रेरी, देन मैनेज लाइब्रेरी, सॉरी सर्च करना होगा TALKII। ओके, तो सर्च करने पर यहाँ पर आपको सर्च रिजल्ट बहुत सारे दिखेगा, तो आपको थोड़ा नीचे जाना होगा। तो ये वाला ऑप्शन जो हमने यहाँ पर लिखा था वो अभी यहाँ पर शो कर रहा है, तो मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। बस आपको इसे इंस्टॉल करना होगा, यहाँ पर आपको एक इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, जब आप उसे क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर और दो तीन फाइल आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूज किया है HCSR04.h, तो इसका एक फाइल को हमें यहाँ पर बनाना होगा। तो आपको जाना होगा यहाँ पर न्यू टैब पर, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए न्यू टैब। ओके, तो न्यू टैब यहाँ से ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको नेम देना होगा, क्या कैपिटल पर लिखना होगा HCSR04.h, एच स्मॉल होगा। ओके, ये जो लिखा हुआ है HCSR04.h, तो इसी के हिसाब से आपको यहाँ पर एक और एक फाइल बनाना होगा। तो ये ओके, तो ये फाइल आ चुका है। तो अभी हम यहाँ पर और एक कोड को यहाँ पर हमें लिखना होगा, तो ये रहा उसका कोड, ठीक है। तो इसके बाद आपको और एक फाइल बनाना होगा, तो उसी तरह आपको जाना होगा न्यू टैब ओपन करना होगा। ओके, न्यू टैब पर यहाँ पर आपको उसी तरह एक नेमिंग भी देना होगा, तो वो क्या होगा, वही होगा क्या दिया था हमने HCSR04। ओके, तो वहाँ पर हमने दिया था .h, यहाँ पर हमें देना होगा .cpp। ओके, तो अभी ओके, तो ये अभी एक फाइल क्रिएट हो चुका है। तो ये मैंने लिख लिया है इसका अभी कोडिंग। तो अभी हम चलेंगे अपने टूल्स पर, और यहाँ पर हमने यूज किया है आर्डुइनो नानो को। तो यहाँ पर हमें सिलेक्शन करना है आर्डुइनो नानो, और आपका जो बोर्ड है वो जिस टाइप का हो आपको उसी तरह सिलेक्शन करना होगा। तो ये मेरा ओल्ड बूट लोडर है। ओके, तो अभी हम करेंगे अपलोड, तो ये अभी कंपाइल करेगा इसको और फिर ये उसको अपलोड करेगा। तो यहाँ से हम पावर ऑन करते हैं, तो ये अभी ऑन हो चुका है। तो अभी इसके आसपास कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्ट है, तो उसको भी डिटेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर ये बता रहा है कितना डिस्टेंस के अंदर वो है, ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्टेंस बताएगा वो दोस्तों आपको मीटर में बताएगा, ना कि सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर आप चाहो तो उसे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो देखिए जैसे मैं हाथ इसके सामने लेके आता हूँ, तो अभी बोल रहा है कितना 0.14 मीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है, ठीक है। अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो ये बता रहा है 0.19 मीटर यानी कि 19 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी बता रहा है 0.07 मीटर यानी कि 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अभी है इस सेंसर से मेरे हाथ का डिस्टेंस। ओके,
चार्ज भी कर सकते हो अपने मोबाइल चार्जर की मदद से। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है अभी रेड लाइट, यानी कि अभी चार्जिंग कंडीशन में है, और जैसे ही बैटरी फुल हो जाएगा तो यहाँ पर ब्लू कलर का लाइट दिखने लगेगा। ओके, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलेगा। अगर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, इसका जो सर्किट डायग्राम है मैंने वीडियो के अंदर डाल दिया है, और इसका जो कोड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ।